अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बड़ा प्यारा है, हर तरफ परिंदे चहचहा रहे हैं और धूप वगैरह भी निकली हुई है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं कुछ अंडे वगैरह लेके आया हूँ। ये देखें, हमारे पास चार मुर्गियां कुड़क थी और मैं अंडे वगैरह लेके आया हूँ और उन अंडों पर मुर्गियों को आज बिठाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद करते हैं शुरू वीडियो। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे पास हैं दो क्रेट, इनके अंदर हम रखेंगे पराली, उसके बाद इसके अंदर हम मुर्गियां बिठाएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी मुर्गियों वाला जो हमारा शेड है उस तरफ, उधर जाके फिर हम मुर्गियां वगैरह बिठा देते हैं। और कल हमने एक बिठा दी थी, आपने वीडियो में देखा होगा, जिन दोस्तों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। और अभी हमारे पास जो है अंडे वो एस्ट्रालाब के हैं, लाइट सोसेक्स के हैं, और पहले जो मैंने बिठाई थी वो टर्की की बिठाई थी, उसके नीचे टर्की के अंडे हैं। अभी टर्की की फीमेल कुड़क नहीं हुई और अंडे भी नहीं अभी दोबारा दे रही, अभी कुछ नया करते हैं, टर्की को ओपन करते हैं और मुर्गियों को किसी केज में बंद करते हैं। चलें जाके मुर्गियां बिठाते हैं। ये हमारे एग्स हैं, इनको साथ ले चलते हैं और अलीशान ले आएगा ये दोनों जो हमारे हैं जिसमें हमने बिठाने हैं। और दोस्तों माशाल्लाह जो है सब्जी बड़ी आउट क्लास हो रही है, हर तरफ ये देखें ये सारी सब्जी उगती जा रही है, ये भी जबरदस्त हो गई है और इस साइड पे भिंडी वगैरह भी माशाल्लाह निकल रही है। दोस्तों अभी जो है सबसे पहले ये मैंने ले लिया है टमाटर की पेटी, इसमें टमाटर वगैरह आते हैं और हमारे पास पराली मौजूद है, जितनी पराली होगी उस वो हम पराली में रख देंगे, बाकी हमारे पास बूरा वगैरह भी है, हम बूरा वगैरह भी रख सकते हैं। इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करके फिर इसके अंदर हम रखते हैं अंडे। वो अंडे जो मैं कल लेके आया हूँ ये देखें, ये दोस्तों लाइट सोसेक्स के अंडे हैं, ये जावेद भाई ने दिए हैं मुझे, गिफ्ट किए हैं। ये देखें 2 3 12 अंडे इसके नीचे रखते हैं। सबसे पहले हम इस मुर्गी को बिठा देते हैं, हमारी ये मुर्गी बहुत ही आउट क्लास है, व्हाइट वाली, इसको बिठाते हैं, इसको इधर साइड पे बिठा देते हैं। ये देखिए ये व्हाइट वाली मुर्गी है दोस्तों, ये वाली मुर्गी देखें माशाल्लाह पक्की कुड़क हो गई है, अभी ये यहाँ पे बैठी हुई है, अब हमें कोई टेंशन नहीं। अभी ये व्हाइट वाली जो मुर्गी है इसको हम बिठा देते हैं इधर इन अंडों पर। ये देखें मैंने इसको अंडे दे दिए और उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब अंडे उबाल देगी। अभी दोस्तों हमारे पास ये 2 मुर्गी हैं, ये दोनों कुड़क हैं, इनके नीचे अंडे वगैरह नहीं है, अभी इनके नीचे भी अंडे हम बस डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ये बैठ जाएगी लेकिन शाम तक देखते हैं, उम्मीद तो है। अब हमने ये इस तरह रख दिया और इसकी सेटिंग कर दी है और ये इंशाल्लाह बैठ जाएगी। अभी वो दूसरी मुर्गी की सेटिंग कर लेते हैं, ये वाली जो है हमारे पास, उसके लिए हम यहाँ नीचे ले लेते हैं बूरा, बूरा वगैरह रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो और है नहीं, जो नीचे गिर गया गिर गया, ऊपर तूड़ी रख देंगे। ये हमारे पास तूड़ी है जिसमें अंडे आए हैं और हम इसको रख देंगे। ये हमारे पास एस्ट्रालाब और एक और फैंसी सी ब्रीड है उसके अंडे हैं। अभी वो हरकतें कर रही है, देखें क्या बनता है, अंडे देख तो रही है वो, लेकिन पता नहीं अभी बैठती है नहीं बैठती, क्या करती है, लेकिन इसका भी हल मेरे पास मौजूद है। और आज अंडा आया हुआ है वो उधर, वो पता नहीं किस मुर्गी ने दिया, वो भी उठा के इसके नीचे रख देते हैं। वो वाला उठाते हैं टर्की वाला, तो वो इसके ऊपर रह गई।
उम्मीद तो है कि ये बैठ जाएगी। मैं एक और चीज दोस्तों सोच रहा हूँ कि ये वाली मुर्गी जो है ये भी इसके साथ छोड़ देते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है जो बैठ जाएगी इन पे वो उसको पक्का कर देंगे। अभी दोस्तों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, इनको बैठने देते हैं कि ये बैठती हैं नहीं बैठती, क्या करती हैं, अगर ये बैठ जाती हैं तो ठीक है, नहीं बैठती तो फिर इनका दूसरा हल है मेरे पास, इंशाल्लाह वो हल करेंगे। दोस्तों अभी जो हमारी है वो सामने सिल्वर वाली मुर्गी वो तो बैठ रही है, वो पहले भी बैठ रही थी, लेकिन ये वाली मुर्गी तंग हो रही है, तो इसका हल तो मेरे पास है दोनों का, लेकिन अभी ये सही तरह मेरे ख्याल कुड़क नहीं है। अगर ये बैठ जाती है कोई तो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। अभी इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो तैयार हो, ना व्हाइट वाली ना दूसरी, या तो इनको हम दो चार दिन दे देंगे कि ये सही तरह कुड़क हो जाए फिर। अभी फिलहाल में मैंने बंद तो इनको कर दिया है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम उसको बास्केट को उठा देते हैं, दूसरे वाले को, जो बैठ जाएगी वो बैठ जाएगी। अभी हम इसकी बास्केट को उठा देते हैं, ये ना हो कि अंडे तोड़ दें, क्योंकि ये कन्फ्यूज हो रही है। देख दोस्तों अभी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये वाली फीमेल पक्की हो गई है और ये कुड़क पर बैठ गई है। इसके अंडों की तरतीब तो सेट कर लूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको बैठाऊंगा उस वाले अंडों पर, और वो दूसरी फीमेल अभी नहीं बैठी, वो इस साइड पे चले गई है, शायद वो अंडे देगी, एक दो दिन वेट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या सिस्टम है, और वो भी माशाल्लाह बैठ गई है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान।